तो आप सोच रहे होंगे ये मैं पैदल कहाँ चल के जा रहा हूँ। तो वो छोटा चेतन खड़ा है अपना अमित, उसने वहाँ से उड़ाया ड्रोन और ऐसा लैंड हुआ यहाँ पर कि उड़ ही नहीं पाया। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते बड़ों को, प्यारी पोनो और छोटों को, हेलो। सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, होप करता हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे मेरी तरह, क्योंकि अब मैं भी थोड़ा ठीक हो गया हूँ पहले से। बाइक यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, बुलेट लेके जा रहा हूँ, बुलेट आ रही है, सुबह के 5 बज रहे हैं। अमित थोड़े अपने मरगाट की सेटिंग कर रहा है ताकि जो मड वगैरह उछलती है उसके रेडिएटर तक ना जाए, तो बस निकल जाएंगे हार्डली 5:30 तक, बिकॉज रास्ता बहुत लंबा है। आज ही हमें लद्दाख पहुंचना है और हम निकल रहे हैं श्रीनगर से। जो होटल था, हम पैम्पोश में रुके हुए थे, अल्टीमेट होटल था, रिकमेंड कर सकता हूँ, आप रुक सकते हैं यहाँ पे। हमें 1000 to 1200 का रूम मिलता है। रूम आपने देख ही लिए होंगे यार पिछले व्लॉग में, रूम बहुत बढ़िया, व्यू बहुत बढ़िया, बिल्कुल लेक के सामने ही व्यू है, तो मज़ा ही आ गया। तो चलिए एक बार दिखाता हूँ अमित क्या कर रहा है, उसके बाद सीधा मिलेंगे, बाइक पर चलते चलते बातें करेंगे, बातें बहुत सारी हैं, टाइम बहुत कम है, तो चलिए निकलते हैं। तो अमित ने क्या किया है, जो बेड के अंदर भरने वाली फॉर्म होती है वो लगाई है विद द हेल्प ऑफ डक टेप, जो अमेजोन से मंगाई थी। बहुत सही टेप है, जब तक आप खुद नहीं उतारोगे तब तक खुद नहीं उतरेगी ये, और ये रोकेगी यहाँ पर मड आने से। देख रहे हो कितनी मड आई हुई है, इसकी वजह से क्या होता है रेडिएटर जाम हो जाता है, तो इसको भी डर है क्योंकि कहीं ये भी लीक ना हो जाए, जाम हो जाएगा, एयर पास नहीं होगी, प्रेशर बनेगा तो कहीं ना कहीं से लीक हो सकता है। तो ये देखो, ये यहाँ पर जितनी मड आएगी टायर से उछल के वो सीधा यहाँ लगेगी और नीचे को जाएगी, नहीं तो ये ना होता तो सीधा रेडिएटर पे जाती है। तो काफ़ी अच्छा काम किया, रात को ये जुगाड़ कर लिया था, उसमें भी करना था लेकिन उसको यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं, तो बाय बाय करेंगे उसको अभी, बहुत मिस करेंगे इसको। और ये सीधा मिलेगी मेरे को दिल्ली में, जो बंदे अभी इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे बस उनके वहाँ छोड़ने जाना है, बुलेट साथ में जाएगी, वहाँ इसको छोड़ते ही बुलेट लेके मैं निकल जाऊँगा। तो ये अपने आमिर भाई, तो इन्हीं का यहाँ पर काम है बाइक रेंट का, और भी काम है भाई आपका? बस हाँ, और टूर एंड ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल का पूरा काम है। तो इन्हीं से मैंने बाइक ली, किस नाम से भाई? अल्फयाज टूर एंड ट्रैवल्स। ओके, अल्फयाज टूर एंड ट्रैवल्स। तो इन्हीं से मैंने बाइक ली है रेंट पे, और बाइक कोरी कहते हैं ना, न्यू 2018 मॉडल ही है, सिर्फ 3000 चली है। मैंने बाइक को रिक्वेस्ट कर दी भाई कोई ऐसी बाइक देना आगे दिक्कत ना आए, क्योंकि पहले इतनी दिक्कत झेलते हुए आए हैं, मतलब कोई बात नहीं, तो आगे दिक्कत ना आए, दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आएगा मज़ा, देखते हैं, बाकी मेरी बाइक भी ट्रांसपोर्ट यही कराने वाले हैं, आ जाएगी हफ्ते दो हफ्ते में, कभी ना कभी तो आ ही जाएगी, लेकिन मैंने बोल दिया भाई आए सेफ, बाकी हाँ टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो चलिए, टेंशन मत, अपना छोटू बैग बांध रहा है। वाह वाह, नमस्ते अंकल जी। सो मूविंग फ्रॉम पैम्पोश, और अपनी बुलेट फुल रेडी है, भाई लेके जा रहे हैं कावासाकी, तो भाई के साथ अभी ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ा डॉक्यूमेंट का वर्क रहता है 5 मिनट का, और उसका भी लगेज रेडी है। अब मेरे को अलग ही फील आने वाला है, वाह, चलो चले लद्दाख। बस थोड़ा बाइक की सीसी का फ़र्क आ गया है, पहले 800 सीसी पे था, अब 350 सीसी में हूँ, ये हाथी है वो घोड़ा था। थैंक यू भैया गेट खोलने के लिए।
मेरी जान से जुदा होने का टाइम आ गया है। बाय बाय एंड अलविदा। सो बाय बाय श्रीनगर, मिलेंगे दोबारा अब 4 दिन बाद। और बुलेट को चला के थोड़ा अलग फील तो आ रहा है, अलग फील वैसे वाला नहीं, फील तो बुलेट वाला ही आ रहा है, लेकिन सीधा हाई सीसी से लो सीसी बाइक चलाना, लेकिन ठीक है, मज़ा आएगा। घर से मज़े करने निकले हैं, नेगेटिविटी सारी दूर करो, पॉजिटिविटी सारी अपने तरफ खींच लाओ और सामने माउंटेन देखते जाओ। भाई साहब मज़ा आ गया, सुबह सुबह इतना बढ़िया व्यू, ओए चिड़िया कबूतर शबूतर पता नहीं क्या क्या उड़ रहे हैं, और मैं भी उड़ता हुआ जा रहा हूँ। अब मेरा मूड एकदम फ्रेश हो गया है, मज़ेदार। सूर्य देवता निकल गए हैं लेकिन छुपे हुए हैं बादलों के पीछे, और बादलों के पीछे छुपे रहेंगे। यहाँ तो मौसम ऐसे ही रहता है, और हल्की हल्की ठंड है, बढ़िया वाली, मतलब हल्की तो नहीं, इन ग्लव्स के अंदर भी ठंड लग रही है, तो इसको ज़्यादा ही कह सकते हैं। मैंने अपना राइडिंग जैकेट में वार्मर भी लगा लिया है, और अगर आगे और ठंड लगेगी तो मेरे पास इनर भी पड़ा है गर्म, वो भी पहन लूँगा, क्योंकि ठंड से बचाव करना है पूरा, तबीयत नहीं ख़राब होने देनी, राइड के पूरे मज़े लेने हैं। तो चलिए अब और बढ़िया बढ़िया व्यू दिखाता हूँ आपको। सो ले इज 395 किलोमीटर फ्रॉम हियर एंड कारगिल इज 169, ड्रास 112, और अभी हम अराउंड 40 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। रोड अल्टीमेट कहते हैं ना, अल्टीमेट मतलब कि इतनी साफ रोड, कोई खड्डे नहीं, कुछ नहीं, चलाने में इतना मज़ा आ रहा है बुलेट को। और टाइम करीबन 7:15 हो चुके हैं, तो सुबह सुबह निकलने का फ़ायदा यही होता है, बहुत किलोमीटर कवर हो जाते हैं, मौसम बढ़िया मिलता है, मतलब मज़ा आ जाता है। तो सुबह सुबह ही निकलो यार, जब भी राइड पर जाओ, मैं बोलता हूँ लेकिन मैं खुद ही 9-10 बजे निकलता हूँ, लेकिन आज हिम्मत मार ली हमने। कल पूरा दिन रेस्ट करना था लेकिन रेस्ट कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ कावासाकी, लेकिन आज सोचा हुआ था कि भाई कुछ भी हो 4 बजे उठ के तैयार श्यार होकर पैकिंग वैकिंग करके 6 बजे तक निकल लेंगे, और आज हमने करके दिखाया वो चीज़, मज़ा आ गया। मेरे को अपने आप पर प्राउड फील हो रहा है कि भाई सुबह सुबह निकल गया हूँ मैं, ओए मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मैन लुक एट दी रोड, और हाथ एकदम चिल्ड हो गए, चिल्ड कहते हैं ना, बर्फ़ जैसे जम गए हैं, लेकिन अभी और चिल्ड होने का वेट कर रहे हैं, फिर हम पहनेंगे अपने वॉर्म वाले ग्लव्स। वो छोटा सा झरना देख पा रहे हो यहाँ से, छोटा सा दिख रहा है, बहुत बड़ा, मतलब बड़ा प्यारा सा लग रहा है। ले 354 रह गया है, और सोनमार्ग 9 किलोमीटर रह गया खाली, और हमारे 100 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं सुबह से, तो उसके बाद रुक के चाय वगैरह पियेंगे। सुबह सुबह की ऐसे मौसम में चाय मज़ा ही आ जाएगा। और ये बाबू जी को देखो, खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है इनकी, ये सोनमार्ग एंटर होने की पर्ची होती है। आप कहाँ के हो? हम तो दिल्ली के हैं। दिल्ली का है, हरियाणा। ये हाँ दिल्ली हरियाणा पास ही है, भाई भाई तो है, कितना दूर है, ये लो 50 रुपये एक बाइक के, ठीक है पर्ची दे दो। पर्ची नहीं, पर्ची नहीं मिलेगी, अच्छा सिर्फ एंट्री होती है, आगे कोई पर्ची देखेगा तो कोई कुछ नहीं देखेगा, पूरा लद्दाख तक कोई नहीं देखेगा। तो यहाँ पर वेलकम टू सोनमार्ग, सोनमार्ग के इस पुल से पहले 50-50 रुपये की पर्ची कटी है, एक बाइक के 50, पर्ची नहीं दी लेकिन पैसे ले लिए। तो लेट्स गो, सोनमार्ग में पियेंगे चाय गर्मा गर्म, भाइयों को सल्यूट। सोनमार्ग इंडियन आर्मी वेलकम्स यू, तो यार सोनमार्ग की जगह जन्नत लिख देना चाहिए इन्हें। और यहीं पर हम कोई शॉप देखते हैं जहाँ पे आराम से
चाय वाय पी पाए। मैं खा रहा हूँ ब्रेड पकौड़े, इसको खानी थी इडली सांभर जो नहीं मिला, अब पता नहीं क्या खाएगा, भूखा मरेगा मेरे को तो ऐसा लग रहा है। साथ में गर्मा गर्म चाय, इडली सांभर नहीं मिला, बेचारा उदास हो गया। वाह कर रहा है, मेरे को नहीं खाने भाई ये ब्रेड पूरा। तो ये भूखा जाएगा लद्दाख तक, इसको वही लद्दाख में खिलाएंगे इडली सांभर, अगर वहाँ भी मिल गए तो, नहीं तो घर जाके खा लेगा। ज्यादा ज्यादा भूख लगी तो इसकी हड्डियाँ चबा जाओ। तो मैंने दूसरे ग्लव्स निकाल लिए हैं, हल्के गीले हो गए हैं ये, पता नहीं कैसे, वाटरप्रूफ बैग में भी गीले हो गए हैं, लेकिन काम काफ़ी आएंगे। वाह वाह। सो हेयर इज द लैंडस्लाइड एरिया। ओहो, बादल तो देखे ही नहीं मैंने ऊपर, सब जगह बादलों ने घेर रखी है। तो यहाँ पर पत्थर वत्थर छोटे मोटे आते रहते हैं नीचे, और जहाँ आपको ये छोटी मोटी रोड़ी दिखे ना बीच में, बस वहाँ थोड़ी ब्रेक मार लेना पहले ही, उसके ऊपर जाके मत ब्रेक मारना, नहीं तो 101% आपकी बाइक स्लिप करेगी करेगी, उससे पहले ही ब्रेक मार लो दूर से रोड़ी दिख रही है तो। तो यहाँ पर दो ट्रक फंस गए हैं, जगह है नहीं, लेकिन साइड में जगह थी बाइक निकलने की, निकल गई। तो थोड़ा ऑफ रोड है, ऊपर से जगह कम है, ऊपर से रोड बन रही है, तो ये जैसे भाई साहब ने यहाँ चढ़ा दिया ट्रक, तो ये दूसरा वाला यहाँ से निकल जाएगा, तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ड्राइवर बढ़िया तो एडजस्ट हो जाता है। सो हेयर इज कीचड़ क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग तो आपने बहुत सुने होंगे, तो ये है कीचड़ क्रॉसिंग, बस पैर नीचे नहीं रखने का और निकलते जाने का, और टायर पीछे वाला स्लिप करेगा लेकिन डरने का नहीं, रेस नहीं छोड़ने का, तो पहले गियर में निकलते जाने का, उसके बाद दूसरा गियर डालने का, और मस्त कीचड़ क्रॉसिंग पार। आइला, पहली वाटर क्रॉसिंग आ गई मेरी, मज़ेदार, दुम्बर 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 दुम, ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। रोड देखो यार कितनी छोटी हो गई आगे, तो गाड़ी वाले को वहीं रोकना पड़ा, नहीं तो अगर वो गाड़ी वाला आगे आ जाता तो फंस जाते, तो अब ये सब के सब निकल जाएंगे वहाँ से, तब वो गाड़ी वाला आगे आएगा, तो यहाँ से तो आगे निकलना भी बहुत मुश्किल है। ओहो, मुश्किल बोला और आसान हो गया। तो जो जिला पास हमने क्रॉस कर लिया है, जो हमें पता भी नहीं लगा कब क्रॉस कर लिया, तो अभी पीछे ही चाय ब्रेड पकौड़े खाए इसलिए भूख नहीं लगी, तो अब निकलते जाएंगे गोली की तरह, जितनी स्पीड से चलेंगे उतनी स्पीड से पहुंचेंगे। आज ज़्यादा स्पीड से चल भी नहीं सकते, बिकॉज मैं इसको 80 से ऊपर चला नहीं सकता, उसको तो मैं 120 130 लगा देता था, लेकिन ठीक है, मज़े आ रहे हैं, इसका अलग ही एक्सपीरियंस है, अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, और सामने का व्यू सुपर्ब। सो यू आर एट जोजिला एटीट्यूड 11,649 फीट, तो एक दो फोटो हो जाए यहाँ पर। तो अब जोजिला पास से नीचे उतर रहे हैं, बिल्कुल ढलान है, रोड नीचे को जा रही है, वहाँ भी राइडर्स जा रहे हैं, मज़ा आ गया। ठंड धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे जैसे आप पास पे चढ़ते जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ठंड कम हो जाएगी, नॉर्मल टेम्परेचर हो गया है, ठंड है ऐसा नहीं है लेकिन उसके मुकाबले कम हो गई है। तो जैसे ही कारगिल के अंदर आप एंटर करेंगे, मतलब अभी प्रॉपर कारगिल नहीं आया, कारगिल अभी है कोई 70 किलोमीटर दूर, तो यहाँ पर आपको अपनी बाइक की एंट्री करवानी होती है, नंबर लिखेंगे, लाइसेंस देखेंगे, कागज़ देखेंगे और जाने देंगे। तो ये जस्ट एक एंट्री करते हैं ताकि इनको पता लग जाए कि हाँ वो बंदा इस पास से निकल के गया था, भगवान ना करे आगे बंदा गया लापता हो जाए कुछ हो जाए, तो उनको एक एंट्री चाहिए होती है कि हाँ भाई यहाँ से निकल के गया था, आगे नहीं पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा था, तो वो अपने डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए होता को इनको। ठीक है, अच्छा है, बस बाइक का नंबर नोट करेंगे, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, और चले जाओ।
तो आप सोच रहे होंगे ये मैं पैदल कहाँ चल के जा रहा हूँ, तो वो छोटा चेतन खड़ा है अपना अमित, उसने वहाँ से उड़ाया ड्रोन और ऐसा लैंड हुआ यहाँ पर कि उड़ ही नहीं पाया। तो वो वहाँ से मैं घूम के वो पुल क्रॉस करके यहाँ पर आया ड्रोन लेने के लिए। बड़ा ख़तरनाक रास्ता है ये पैदल वालों के लिए। कैसे हो? उड़ा ही नहीं है दोबारा, बैठ गया ऐसे। और ठीक हो? एकदम बढ़िया, सब बढ़िया, सेहत भी बढ़िया, आप ठीक हो? आप बढ़िया। तो मिल गया ड्रोन अपने को, और वापसी जाने का टाइम किसी खेत में आया था, खेत कह लो कुछ भी कह लो, पता नहीं कौन सी जगह से। वो तो शुक्र है हमें रास्ता मिल गया, अगर ना मिलता तो फिर बैठे रहते ड्रोन भी ना मिलता। वो मेन रोड है, वो वहाँ से वो पुल के ऊपर से चढ़ के मैं यहाँ पर आया। ये कहाँ आ गए हम चलते चलते अपनी बुलेट पे। सो कारगिल रह गया अराउंड 15 किलोमीटर। भाजी इन्ना लंबा रास्ता है ख़त्म ही नहीं होता, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, वधिया वधिया व्यू देखते जाओ देखते जाओ। वो सामने माउंटेन्स देख रहे हो कितने क्लियर और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। वो धूप पड़ रही है, कहीं धूप पड़ रही है कहीं छाव पड़ रही है, और ऊपर क्लाउड्स मतलब कैसे घेरा बना के मस्त लग रहा है एकदम। तो यहाँ तो इतनी चीज़ें होती हैं दिखाने के लिए। मुझे लग रहा है अगर मैं लद्दाख की एक वीडियो बनाऊँ, मतलब एक दिन की वीडियो बनाऊँ, तो 3-4 घंटों की बना दूँ, जिसमें इतना कुछ दिखा दूँ कि आप बोलो कि भाई पूरा लद्दाख ही घुमा दिया तूने। तो पेट्रोल पंप कारगिल का, यहाँ पे आपको पावर भी मिलता है, ऐसा मैंने जेज भाई की वीडियो में देखा था। पावर ही डाल दो, हमारी बुलेट को पावर चाहिए। वैसे तो बहुत पावरफुल है, और पावर देंगे हम इसे पावर का पेट्रोल डलवा के। वाह, साइकिल के भी पैनियर्स आने शुरू हो गए क्या? हिम्मत तो इनकी होती है यार जो साइकिल चला के आते हैं। हमने तो क्या है, इसके ऊपर बैठे बस रेस दे दी और चलती जा रही है, लेकिन असली हिम्मत उन्हीं की है। तो कभी ना कभी प्लान बनाऊंगा साइकिल पे आने का, प्लान बहुत सारे हैं लाइफ में, लेकिन लाइफ छोटी है। लोग बोलते हैं कि लद्दाख की राइड बहुत मुश्किल है, तो अगर सच बताऊं लद्दाख की राइड मुश्किल नहीं है, लॉन्ग बहुत है। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इसकी वजह से लोगों को लगता होगा कि हाँ बहुत मुश्किल है, पूरा पूरा दिन बाइक चलानी पड़ती है तब जाके आप दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। आई नो खारदुंगला हो गया, पेंगोंग हो गया, चांगला पास, ये जगह थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, रोड थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन उससे पहले अब ये देख लीजिए श्रीनगर से जो रोड आ रही है लद्दाख के लिए, मतलब कितनी प्यारी रोड है। बीच में था एक पैच ख़राब था थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद जो मज़ा आया, आहा, इतने बढ़िया बढ़िया व्यू, इतनी बढ़िया जगह। सो हियर वी रीच हाईएस्ट पॉइंट 13,479 फैटुला
टॉप श्रीनगर ले रोड। और ये छोटा चेतन हमारा अपना कैमरा ऑन करता हुआ ला ला ला। सो मूविंग फ्रॉम फटुला टॉप और टाइम हो गया है 5:30 और मुझे लग नहीं रहा जब तक हम मैग्नेटिक हिल पहुंचेंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा और वहां कोई हम फोटो खिंचवा पाएंगे। तो देखते हैं अभी यहां से है मैग्नेटिक हिल अराउंड 80 किलोमीटर होगा 80-90 और वहां पहुंचते पहुंचते 7 बज जाएंगे तब तक अंधेरा हो ही जाएगा 101%। लेट्स सी क्या होता है। तब तक आप सामने का व्यू देखिए व्यू। सो हेयर इज लामा यूरो और वो जो आप ऊपर देख रहे हैं वो मोनेस्ट्री है लामा यूरो में। और अभी लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, मैं पहले भी आया हूँ, मैंने पहले भी देखी हुई है लेकिन अभी आपको यहीं से क्लियर दिख रही होगी। काफ़ी अच्छी मोनेस्ट्री है, एक बार बिल्कुल नीचे से जाके क्लियर लुक दिखाता हूँ इसका। वो देखो वो है मोनेस्ट्री। लेकिन अभी अपने पास टाइम नहीं है, अपने को मैग्नेटिक हिल पहुंचना है, वहाँ मस्त मस्त सी फ़ोटो खींचनी है। सो द टाइम इज 7:10 और हम आज में 400 किलोमीटर चला चुके हैं। जब मैं उनसे बाइक लेके आया था 3328 थी, अब 3728 है। तो माउंटेन्स या हिली एरिया का 400 किलोमीटर का मतलब है आपने 800 किलोमीटर बाइक चला ली है, बिकॉज ऐसे 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 स्पीड कम रहती है। तो हमेशा डबल का हिसाब लगाता हूँ मैं तो, और अगर आप राइडर हैं तो आपको पता ही होगा कि 400 किलोमीटर हमेशा 800 किलोमीटर के बराबर। अगर 100 किलोमीटर चला रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा आपने 200 किलोमीटर चलाई है। और सुबह 7 बजे के निकले हुए हैं, शाम के 7 बज गए हैं, अभी भी 40 किलोमीटर रहता है, बस 10 किलोमीटर बाद मैग्नेटिक हिल आ जाएगा, रोशनी थोड़ी बहुत है। और हम अभी भी जोरों शोरों में हैं कि फ़ोटो खिंचवाएंगे वहाँ जाके रोशनी में। ये लुक एट दी रोड मैन, ये लंबी सी रोड और ऊपर का मौसम देखो एक बारी, क्या बात है क्या बात है। बिल्कुल सही टाइम से पहुंच गए हैं हम और रोड कितनी लंबी है, दूर तक नज़र आ रही है। तो भाई आज का तो दिन बन गया, मैं ऐसी परेशान हो रहा था कि मेरी बाइक ख़राब हो गई, मेरे को मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आपने आज की वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आ गया होगा कि यार अल्टीमेट मज़ा आया अल्टीमेट। सो हेयर इज पत्थर साहब गुरुद्वारा। लेह से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे ही है। बहुत बढ़िया दर्शन हो गए गुरुद्वारे के, टाइम 7:45 हो गए हैं, यहाँ से अभी आधा घंटा और लगेगा पहुँचने में हमें ले। तो चलते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, हाथ एकदम जमने को हो रहे हैं। वॉर्म वाले ग्लव्स मैंने पहन लिए हैं, अमित भी पहन रहा है। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है, लेकिन आप लोग जब भी आएँ ले या कहीं पर भी कोई भी राइड करें तो कोशिश करें रात में बिल्कुल राइड ना करें, सेफ नहीं होता। हाँ अगर आप रेगुलर करते रहते हैं, आपको आदत है तो दिक्कत नहीं है, हमें आदत है, लेकिन नई आदत तो बिल्कुल ना करें, कहीं पहाड़ फूड से नीचे चले गए तो हो जाएगी जन्नत की सैर फिर तो। सो फाइनली वी आर इन ले सिटी, पहुंच गए हैं हम। अब हमें सिर्फ यहाँ पर होटल ढूंढना है अपना, मेरे को 2-3 होटल पता है यहाँ पर, पहले भी आया हूँ मैं, उन्हीं में से एक लेके आराम फरमाते हैं और डिनर खाते हैं। हेलो वेलकम बैक, होटल ले लिया हमने, डिनर भी कर लिया है,
डेटा ट्रांसफ़र अभी नहीं करा क्योंकि हिम्मत नहीं है, थक गए हैं, सुबह करेंगे। और अमित की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हल्का हल्का फीवर लग रहा है उसको, मेडिसिन ले ली है। बिकॉज रास्ते में आते आते कहीं मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, कहीं गर्मी थी, कहीं ठंडा था, और फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी थी हमने रास्ते में, तो हो जाएगा। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, आते ज़्यादा ख़राब लग रही थी, लेकिन अब थोड़ा फ़र्क है, सुबह तक पूरा फ़र्क पड़ जाएगा। और कल हम निकलेंगे नुब्रा वैली के लिए खारदुंगला होते हुए, परमिशन का कल पता लगेगा। कल 15 अगस्त है, परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती, डीसी ऑफिस बंद तो नहीं होएगा, देख लेंगे सुबह जैसा भी होगा, कुछ ना कुछ तो बढ़िया करना ही पड़ेगा। अब सोने का टाइम हो गया, थक ज़्यादा गए हैं। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ देना। हमेशा की तरह मेरा सेम ही डायलॉग है, ठीक है ना भाई। और ये बाबू जी अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं, ठीक है बाबू जी। तो आज थोड़ी हिम्मत कम है, जब तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ बोलने का मन भी नहीं करता, और साथ वाला बोल रहा हो ना तो वो भी कान में चुभता है। तो चलो बाय बाय, भाई को आराम करने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।